बिहार से चेन्नई तक हम जनरल कोच में ऑलमोस्ट 40 घंटे सरवाइव करने वाले हैं, तो चलिए आपका स्वागत करता है प्रयागराज। क्या ही बढ़िया भाई रही वैसे तो भैया अपना मानिकपुर का जलेबी। चलिए तो मैं आया था गंगा कावेरी एक्सप्रेस के पेंट्री कार में खाना। लगभग 4 घंटे लेट हो चुकी है। और हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेवल लवर सूरज। अभी मैं हूं बिहार के छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आप सभी के साथ आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली है। छपरा से MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12,670 गंगा कावेरी एक्सप्रेस में। छपरा से चेन्नई तक फुल जर्नी करेंगे, वो भी जनरल कोच में। तो सबसे पहले जो है ना जनरल कोच का चलिए टिकट ले लेते हैं, क्योंकि बिहार से चेन्नई तक हम जनरल कोच में ऑलमोस्ट 40 घंटे सर्वाइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से टिकट ले लेते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपना टिकट जो है दोस्तों मैंने ले लिया है। ये टिकट हमको छपरा से चेन्नई तक का जनरल कोच का 510 रुपये का पड़ा है। शाम के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और आपको छपरा जंक्शन के बाहर अच्छी खासी भीड़ जो है देखने को मिल जाएगी, देख लीजिए। अच्छा, बात करें अगर अपने इस छपरा जंक्शन की ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट है और बिहार का एक मेजर रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें जो है ना यहाँ आकर मिलती है। एक लाइन वाराणसी और प्रयागराज वाली और एक बरौनी और सिवान वाली लाइन, और एक लाइन जो है अपनी गोरखपुर और लखनऊ वाली लाइन, एक लाइन जो चली जाती है यहाँ से अपनी थावे वाली लाइन, और एक लाइन जो है मशरक की ओर चली जाती है, और भी शायद एक दो लाइनें हैं जो मैं भूल रहा हूँ। और इस जंक्शन को ऑपरेट किया जाता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के वाराणसी डिवीजन के द्वारा। कुल 5 प्लेटफॉर्मों का ये अपना रेलवे स्टेशन है और अभी 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है प्लेटफॉर्म जो बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको मतलब जो है वंदे भारत की सुविधा मिलने वाली है। 3 ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, बैठे बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारी ट्रेनों का जो है ना अराइवल हो रहा है लगातार। अभी शायद कोई ट्रेन आई है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आई है जो। और लो जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और ये लगाई जा रही है अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दोस्तों आ चुका हूँ मैं गंगा कावेरी एक्सप्रेस के जनरल कोच ट्रेन के अंदर और भाई यहीं से जो है ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, देख लीजिए। ये जनरल कोच का कंडीशन है, बहुत अच्छी खासी जो है भीड़ अभी देखने को ही मिल रही है छपरा जंक्शन में ही। भाई पूरा हल्ला मचा दिया है भाई, पानी पानी पानी। भाई अच्छी बात यह है कि अपने का जो है सीट तो मिल चुकी है। अच्छा, अगर बात करें अपने आज की इस ट्रेन की गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन वीक में 2 दिन सोमवार और बुधवार को छपरा से रात 9 बजे खुलती है और 2238 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन दोपहर 12:10 पर आपको MGR चेन्नई सेंट्रल पहुंचा देती है। इस दौरान ये ट्रेन लगभग 24 होल्ट से होकर गुजरती है और भाई इस जर्नी को ये ट्रेन कंप्लीट करती है लगभग 40 घंटे में। सोचिए 40 घंटे मैं जनरल कोच में सर्वाइव करने वाला हूँ भाई। फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है लंबी ट्रेन जर्नी, वो भी जनरल कोच में। इससे पहले मैंने इतनी लंबी ट्रेन यात्रा कभी भी जनरल कोच में नहीं किया था और ना ही स्लीपर कोच में किया था, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। और वैसे भी जिस रूट पे मैं सफ़र करने वाला हूँ ये रूट भी मेरे लिए बिल्कुल नया है, आज तक मैंने इस रूट पर एक बार भी सफ़र नहीं किया है। तो चलिए कुछ देर के लिए आप सब मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे आप सब मेरे साथ ट्रेन जर्नी कीजिए अपने इंडिया में। हम कहाँ जा रहे हो जगह साइड होकर अपने चेक कर रहे थे ना गाड़ी वैसे तो सरकार को देता है काम वाला से आप लोग भी नहीं हफ्ता दो हफ्ता अगर मार हो जिए तो मार हो जिए ना। देखिए दादू कितने टोंकी हाँ चाहते
हमारे तो बेकर कोई ना होता ना होगा, हाँ, मानो चीज़ का पैसा, मत करता हूँ, पिताजी भी साल, क्या करने तेरे का प्रेम से करते क्या देंगे, अब कितने माल से करेंगे हम, हाँ, कितने माल से करेंगे हम, हाँ, हमरे के, ओए दीपक, चलिए अपने तय वक्त से अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है बिल्कुल होने को तैयार हो चुका है। ट्रेन का हॉर्न हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है, अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। राइट रात बज के 9 बजे छपरा जंक्शन से, देख लीजिए छपरा जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर रात में। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलती हुई अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। अच्छा, छपरा से निकलने के बाद ना इस ट्रेन का पहला हॉल्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। भाई आप पेंट्री से हैं? ये रेल नीर का पानी नहीं है, सुनिए ना, सुनिए, रेल नीर का पानी नहीं है तो ये लोकल पानी क्यों बेच रहे हैं? रेल नीर का पानी बेचिए, लोकल पानी मत बेचिए। तो टाइम रात के 10:05 हो चुका है और अपनी ट्रेन छपरा से 66 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश के बलिया। बलिया यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन और यहाँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बागी बलिया के नाम से क्यों जाना जाता है, ये भाई अगर कोई बलिया से मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बलिया स्टेशन को देखिए कितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, देख कर काफ़ी प्यारा लग रहा है। देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, VIP स्ट्रक्चर हो रहा है भाई बलिया स्टेशन पर। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो बलिया से हो चुका है। बलिया से निकलने के बाद ये ट्रेन गाजीपुर सिटी वाराणसी जंक्शन भदोही रुकेगी, लेकिन रात काफ़ी हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। रात में इन सब स्टेशन को मैं स्किप कर दूँगा और सीधा मिलूँगा आप सभी से कल सुबह, जब अपनी ट्रेन प्रयागराज पहुँचने वाली होगी तब, या फिर उसके आगे सतना जंक्शन पे। चलिए आप सभी को गुड नाइट, आप सब भी सो जाइए प्यारा सा गुड नाइट। चलिए जा रहे हैं सोने के लिए, कल सुबह देखते हैं कहाँ नींद खुलती है, जहाँ नींद खुलेगी वहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। आनंद विहार टर्मिनल 2 गाजीपुर सिटी वाया जौनपुर जंक्शन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 9। थैंक यू। दृष्टि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गंगा कावेरी एक्सप्रेस के दूसरे दिन। सुबह के लगभग अभी 4:15 हो रहा है और अपनी ट्रेन छपरा से 340 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है अपने 5वें हॉल्ट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन पर। और यहां अपनी ट्रेन लगभग 15 मिनट पहले ही आ गई थी। यहां अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 4:05 पर, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ लगभग 3:45 पर भी ही आ चुकी थी। यहाँ अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आई है। अभी यहाँ पर इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से लोको पायलट और गार्ड साहब जो है वो चेंज होंगे और शायद ट्रेन में जो है पानी वानी डाला जाएगा। बाकी प्रयागराज जंक्शन अपना 10 प्लेटफॉर्मों का रेलवे स्टेशन है और प्रयागराज जंक्शन का पुराना नाम इलाहाबाद जंक्शन हुआ करता था, लेकिन इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। और भाई प्रयागराज जंक्शन में बहुत अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और भाई बहुत तेज बादल भी गरज रहे हैं, देख सकते हैं आप इतना मौसम सुहाना हुआ है। बहुत दिनों की बात भाई ऐसी बारिश जो है देखने को मुझे मिल रही है प्रयागराज जंक्शन पर, देख लीजिए सीजन की पहली बारिश शायद जो है मुझे देखने को मिल रही है प्रयागराज में। पता ना अपनी ट्रेन क्यों प्रयागराज जंक्शन पर लगभग 1.5 घंटे से लगी हुई है, ट्रेन को जो है सिग्नल ही नहीं दिया जा रहा है। अब पता ना क्यों हो रहा है, लोकोमोटिव हालांकि चेंज कर दिया गया है, लोकोमोटिव आगे से निकाल कर पीछे की ओर लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी ट्रेन को जो है यहाँ से डिपार्चर नहीं मिल रहा है। लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है यहाँ पर ट्रेन के आए हुए, अभी भी यहीं पर लगी हुई है। चलिए देखते हैं
इस ट्रेन को कब यहाँ से सिग्नल दिया जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी रेलवे से, क्योंकि भाई जो डिपार्चर पेपर होता है वो भाई नहीं आया था, इसलिए अपनी ट्रेन यहाँ 1 घंटे 50 मिनट से लगी हुई थी। फाइनली अब अपनी ट्रेन का सिग्नल जो है वो मिल चुका है। 1 घंटे डिले के साथ अपनी ट्रेन का फाइनली डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज जंक्शन से। यहाँ अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटे 50 मिनट तक रुकी थी प्रयागराज जंक्शन। भाई मेरा गला पता ना क्यों लग रहा है जैसे सर्दी होगा। ओए राजू सुबह हो गई उठ लो। ओए ललन बाबू, ओए मिथलेश उठो। देखिए दोस्तों सब सो रहे हैं, अभी भी रात भर हल्ला किए हैं और सुबह होते सो गए। सब वीडियो बनो। तो कुछ ऐसा है इस ट्रेन के वॉशरूम का कंडीशन। वॉशरूम का कंडीशन ठीक है, उतना बुरा भी नहीं कह सकते हैं, अच्छा, मतलब आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। पानी देख लीजिए, पानी एकदम बिल्कुल आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन से निकलने के बाद इस ट्रेन के जनरल कोच का कंडीशन कुछ ऐसा है, देख लीजिए। अभी प्रॉपर उजाला नहीं हुआ है, लेकिन सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। अभी सुबह सुबह आप सभी को चाय मिल जाएगा, लेकिन आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टेशन पे खाने को मिल जाएगा और साइड पेंट्री से भी कुछ ना कुछ आते रहता है इस ट्रेन में आप सभी के खाने के लिए, और ये सारे भाई लोग जो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो सुबह की शुरुआत अपने फेवरेट खजूर और किशमिश के साथ। भाई मैं सुबह सुबह ज़्यादा दूसरा कुछ खाने की कोशिश नहीं करता हूँ, चाहे घर पे रहूँ या फिर ट्रेन में। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह अपना डाइट जो है किशमिश और खजूर से शुरुआत किया जाए, इसलिए मैं घर से ही लेकर चला था किशमिश और खजूर। और अभी ट्रेन अभी फिर से कहीं आउटर पे आकर रुक चुकी है। अब ये ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट हो चुकी है। अब हो सकता है कि लेट होते जाए ये ट्रेन आगे तक, अब देखते हैं क्या होता है। अभी हालांकि उजाला हुआ नहीं है उतना, इसलिए मैं बाहर आप सभी को कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए खजूर और किशमिश देख लीजिए। नैनी जंक्शन पे अपनी ट्रेन का भाई ओवरटेक कर रहा है मालगाड़ी के साथ। मालगाड़ी भी अब हमारी ट्रेन को जो है ओवरटेक कर रही है, देख लीजिए क्या ही प्यारा लोकोमोटिव लग रहा है भाई मालगाड़ी का। कौन सी ट्रेन है? ये है काशी एक्सप्रेस, गोरखपुर से मुंबई के बीच चलने वाली काशी एक्सप्रेस। जरूर दिखाने की कोशिश करूं। सुबह सुबह नाश्ते में आप सभी को ट्रेन में खाने के लिए समोसा मिल जाएगा, लेकिन भाई मैं समोसा खाने वाला नहीं हूँ।
मैं देख रहा हूँ नाश्ते में सुबह 9 बजे के आसपास ट्रेन अपनी जब सतना जंक्शन पहुँचेगी वहाँ कुछ लेने का प्रयास करेंगे खाने के लिए, क्योंकि भाई समोसा नहीं पा रहा हूं मैं। बांद्रा टर्मिनल और गोरखपुर के बीच चलने वाली कोई गाड़ी थी। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मानिकपुर जंक्शन। यहाँ अपनी ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है लेकिन आकर रुकी हुई है। सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। जलेबी तो मिल रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ का जलेबी ट्राई करते हैं मानिकपुर जंक्शन का। भैया, अरे भैया जलेबी कैसे है, दीजिए एक प्लेट मानिकपुर का जलेबी। चलिए ले लेते हैं और ट्राई करते हैं। 20 का प्लेट है, इसमें शायद 3 जलेबी है। चलो पकड़िए भाई। ए भैया, अपना मानिकपुर का जलेबी चलिए ट्राई करके आप सभी को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई अगर टेस्ट की बात करें ना तो वाकई काफ़ी बढ़िया इमरती बनाई हुई है। अगर आप कभी इस रूट से गुजरिएगा तो मानिकपुर का जलेबी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लग रहा है इसका। भैया बोल रहे हैं मानिकपुर आए हैं तो यहाँ का चाय ट्राई कीजिए। चलिए मानिकपुर का चाय भी ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ चाय कैसा मिलता है। देख लीजिए है मानिकपुर का चाय, चाय का भी टेस्ट काफी अच्छा है, आप चाय पी सकते हैं। पेंट्री से अच्छा चाय मिल रहा है भाई, 10 रुपए का कप है, बहुत बढ़िया चाय है। अच्छा, अपनी इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस को ना छपरा एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ देख लीजिए आप, छपरा एक्सप्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, गंगा कावेरी एक्सप्रेस प्लस छपरा एक्सप्रेस, छपरा से चेन्नई MGR सेंट्रल। मानिकपुर में कुछ देर रुकने के बाद अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है और लगभग 1.5 घंटे लेट हो चुकी है भाई अपनी ये गंगा कावेरी एक्सप्रेस और छपरा एक्सप्रेस। यहाँ से जबलपुर मंडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम लोग रेलवे के जबलपुर डिवीज़न में अब हम आ चुके हैं। पता ना ये कौन सा जगह है, यहाँ पे बहुत सारे जो पत्थर हैं वो देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी टुकड़ों में पत्थर जो है बड़े बड़े वो चीज़ देखने को मिल रही है। भाई पत्थरों वाला एरिया लग रहा है, पूरा ये जो दिख रहा है पत्थर है, टोटली पत्थर है ये सब। यहाँ पे बेसिन से जो है पानी लीक कर रहा है और आप देख सकते हैं पूरा एकदम कचरा कचरा हो चुका है एकदम। यहाँ से कहीं से पानी लीक कर रहा है और पूरा मतलब ये वाला एरिया जो है कचरा कचरा हो चुका है। देख लीजिए आपको अंगूर खाने के लिए मिल जाएगा 20 रुपए का, 250 ग्राम। चना भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ आप खा सकते हैं ट्रेन में। तलवार उतर के डाल दूं मेरे बाबू लोग। ए अलग के बोलू आ रही हूँ दादा, ये नहीं पड़ता। दस का, अरे 10 रुपए है ही तो कहाँ से दे 10 रुपया। देखो भाई किन्नरों का है तंग। लीजिए दोस्तों, किन्नर लोग जो है पैसा छाप के यहीं पे उतर गई आउटर पे।
देख लीजिए कैसे उतर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सतना जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। टाइम सुबह के 9:40 हो चुके हैं और अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस छपरा से 517 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है STA। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड है और अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का सही समय था 7:30 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 2 घंटा 30 मिनट देरी के साथ यहाँ पर आई है। और सतना एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है और सतना जंक्शन कुल 3 प्लेटफॉर्मों का रेलवे स्टेशन है और आज के समय में सतना जंक्शन पर रोजाना 205 ट्रेनें आकर रुकती है और 3 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है और 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है सतना जंक्शन से। चलिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, चलते हैं अब कोच के अंदर। माता का और यहाँ की कुछ मतलब हिस्टोरिकल कहानी भी है जो ये भैया बताएंगे, जो सतना से हैं, ये लोकल है तो ये बताएंगे कुछ यहाँ के बारे में। बताइए भैया, मंदिर शारदा देवी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आल्हा उदल पूजा करने के लिए आया करते थे और ये माँ वैष्णो का दूसरा दिव्य दरबार है जो शारदा में मैहर में लगा करता है। और यहाँ पास की मानता है कि माता सती जी का हार, गले का हार यहाँ पास गिरा था, तो इसका नाम मैहर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आज सभी ने मैहर की कुछ मंसूरी कहानियाँ इस वीडियो के माध्यम से सुन ली। अरे सादा खाना नहीं लीजिएगा, सादा खाना आएगा। बिरयानी। छपरा से 615 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने 7वें हॉल्ट मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन पर। यहां अपनी ट्रेन का पहुंचने का जो सही समय था वो था 8:25 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 2 घंटे 50 मिनट की देरी से यहाँ आई है कटनी जंक्शन पर। टाइम अभी बताऊँ आप सभी को तो 11:05 हो रहा है। कटनी जंक्शन से मैंने लिया है पूरी, रोटी और सब्जी। रोटी और सब्जी मैंने लिया है 30 रुपये का, 4 इसमें रोटी है शायद। यहाँ से एक स्टॉल लगा हुआ था, यहीं से लिया क्योंकि भूख भाई बहुत तेज लग चुका है। और भाई रोटी सही नहीं था इसलिए मैंने रोटी को चेंज करके और चावल और सब्जी ले लिया, क्योंकि रोटी भाई एकदम गंध मार रहा था पूरा। ऐसा लग रहा था कि शायद कल परसों का बनाया हुआ है इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया और चावल और सब्जी ले लिया। चलिए इसको खा लेते हैं क्योंकि भूख काफ़ी तेज लग चुका है। खाने की टेस्ट की अगर बात करें ना तो खाना एकदम बिल्कुल एवरेज है, मतलब आप मजबूरी में खा सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और मजबूरी में यही बढ़िया खाना है भाई, कि कम से कम आपका हल्का फुल्का जो पेट है वो भर जाएगा। एवरेज खाना है, 10 में से इसको मैं रेटिंग दूंगा 4, समझ लीजिए इतना बढ़िया खाना है। छोले चावल है, दाल चावल है, 30 रुपए
छपरा से 706 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये अपनी ट्रेन का 8वां हॉल्ट है और यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 9:45 पर, लेकिन अपनी ट्रेन 3 घंटे की देरी से यहाँ आई है 12:45 पर। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है जबलपुर से। जबलपुर भाई काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। अरे भैया 100 रुपये में पर्स आ गए भैया, 100 रुपया 100 रुपया। बोले बोले भैया दिखाओ क्या निकाल के। ट्रेन में जितनी भीड़ छपरा से चढ़ी थी उतनी ही भीड़ आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी। देख लीजिए कोई भी जगह मतलब खाली नहीं हुई है, इधर भी लोग बैठे हुए हैं गेट के पास। क्या बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं एक बार फिर से देखिए। कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया की ना, तो जनरल का किराया तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन अगर आप इस ट्रेन के स्लीपर कोच में सफ़र करिएगा छपरा से चेन्नई तक तो आपको देने होंगे 850 रुपया। वहीं थर्ड एसी का किराया आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 2200 रुपया। सेकेंड क्लास एसी का किराया पड़ जाएगा आपको 3200 रुपया। और इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी का भी एक कोच लगाया गया है जिसका किराया है ऑलमोस्ट 5500 रुपया। तो देख लीजिए कुछ इतना इतना का फर्क है जनरल कोच स्लीपर और थर्ड एसी, फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के किराए। करने के बाद अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने 10वें हॉल्ट इटारसी जंक्शन। ईटी इसका स्टेशन कोड है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है अपना इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहां पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का सही समय था 1:25 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 2:40 की देरी से यहाँ आई है 4:10 पर। यहाँ अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और इटारसी जंक्शन भाई इंडिया का 8वां सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है आज के समय में। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ आकर रुकती है और इधर से गुजरने वाली हर एक ट्रेन का हॉल्ट इटारसी जंक्शन में है। इटारसी जंक्शन एक बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है। चलिए 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर इटारसी से हो चुका है। और इटारसी में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, इडली मिल रहा था, अंडा बिरयानी, छोले चावल बहुत कुछ मिल रहे थे, आप खा सकते हैं। रोटी सब्जी भी मिल रही थी। इटारसी जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर भाई लगभग मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेन लेट हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था 1:25 पर, लेकिन 4 यहीं पे बज गया है। देखते हैं कब तक ये ट्रेन चेन्नई कल पहुँचेगी। कल चेन्नई पहुँचने का इस ट्रेन का टाइम है 12:10 पर, लेकिन देखते हैं कल शाम तक ये ट्रेन चेन्नई पहुँचाएगी। भाई 40 घंटे की ट्रेन जर्नी जो है हमको लग रहा है 50 घंटे की ना हो जाए। भाई साहब अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस मतलब क्या बताएं, लगभग 3.5 घंटे लेट हो चुकी है। अभी
घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। भाई तीन तीन ट्रेनों को पास दे चुकी है, अभी इस ट्रेन को एक ओवरटेक पड़ने वाला है। चलिए आप सभी को ओवरटेक दिखाते हैं। अब पता ना किस ट्रेन के साथ इस ट्रेन का ओवरटेक पड़ने वाला है, लेकिन भाई लेट हो रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा दिमाग में होच पोच हो गया है लेट के वजह से। देखिए आप इस ट्रेन का ओवरटेक और देख लीजिए भाई, इस ट्रेन के साथ अपनी ट्रेन का ओवरटेक पड़ रहा है। पता ना कौन सी है, कुछ तेलुगु में हैदराबाद और नई दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ी है, जो भाई हमारे गंगा कावेरी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पर। देख लीजिए ओवरटेक, और बहुत स्लोली स्लोली निकल रही है। शाम के लगभग 6:30 हो चुके हैं और अभी अपनी ट्रेन भाई घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। लगभग 4 घंटे लेट हो चुकी है। और अगर मैं इसी वीडियो में आप सभी को चेन्नई तक का सफ़र दिखाऊंगा ना, तो हो सकता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं इस ट्रेन जर्नी को 2 एपिसोड में कर दूँगा। ये पहला एपिसोड को मैं नागपुर पहुँचते एंड कर दूँगा। पहला पार्ट जो है नागपुर तक आएगा, और नागपुर के बाद मैं रात में कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, तो औरंगल से इसी ट्रेन जर्नी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे और चेन्नई तक के सफ़र को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रहा पहला पार्ट, इस पार्ट को मैं नागपुर में पहुंचते एंड कर दूंगा। और दोस्तों मैं आया था गंगा कावेरी एक्सप्रेस के पेंट्री कार में खाना लेने के लिए, और देख लीजिए यहाँ पर खाने की जो यहाँ पर छोला दिया है, क्या पैक किया जा रहा है, छोले मसाला पैक किया जा रहा है, और इसमें शायद पनीर भी डाला गया भैया। अरे भैया मैनेजर साहब है जो हमको स्टैंडर्ड वेज मील प्रोवाइड किए हैं खाने के लिए, 80 रुपये वाली थाली आपको इस ट्रेन में खाने के लिए मिल जाएगी। और मैं पेंट्री में आया था खाना खाने के लिए, और मुझे स्टैंडर्ड वेज मील मिल गया है, और मैं जा रहा हूँ भाई अब खाना खाने के लिए। सुबह से भूखा था भाई, खाना नहीं खा पा रहा था मैं, लेकिन फाइनली अब शाम होते होते अपने को भूख लगी थी जोर से, मैं पेंट्री कार में आया और मुझे अच्छा खाना मिल चुका है। छपरा से 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने 12वें हॉल्ट नागपुर जंक्शन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का सही समय था 6:15 पर, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ आई है लगभग 5:35 की देरी से, 10:50 पर। नागपुर का स्टेशन कोड हो गया NJP, और सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीजन में ही हम लोग अब आ चुके हैं। और भाई नागपुर जंक्शन पर इस ट्रेन का 10 मिनट होल्ट है, और भाई ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब नागपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। पहले पार्ट को हम यहीं नागपुर में ही एंड कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट की शुरुआत हम करेंगे इसी ट्रेन जर्नी के तीसरे दिन, जब अपनी ट्रेन वरंगल पहुंचने वाली होगी, तब आप सभी को ये गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी का पहला पार्ट कैसा लगा, छपरा से नागपुर तक का ये सफ़र कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के दूसरे एपिसोड में तीसरे दिन। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय। और दोस्तों छपरा से यहाँ तक अभी तक हमने इस ट्रेन में लगभग 24 घंटे का समय जो है बिता लिया है, और अभी भी हमें लगभग 25 घंटे का सफ़र इस ट्रेन में बिताना है, क्योंकि ट्रेन अपनी जो है 5 घंटे देरी के साथ चल रही है, और 40 घंटे में इस ट्रेन का पहुंचाने का समय था, लेकिन अब 45 घंटे में हमें ये चेन्नई पहुंचाएगी। लगभग 45 घंटे की ट्रेन जर्नी होने वाली है भाई।